वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ब्लैक फैब्रिक पे पेंट कैसे करेंगे और ये डिज़ाइन मैंने कैसे इस पे ट्रेस किए मैं आपको आगे बता दूँगी, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। अभी सबसे पहले हम ये दो कलर लेंगे ताकि हम ग्रीन पार्ट डिज़ाइन का पेंट कर सकें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से फैब्रिक पेंटिंग सीख सकते हैं। जनरली मैं डार्क फैब्रिक में वाइट कलर का बेस लगाती हूँ और वो कैसे लगाते हैं आप लोगों में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, जो पहले से सब्सक्राइबर है उनको मैंने एक वीडियो में बताया था येलो रोज़ वाले, तो उन्होंने देखा है तो उनको समझ आता है। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं फिर से बना दूँगी तो आप लोगों को समझ आएगा कि क्या है जिसको मैं वाइट बेस बोलती हूँ। तो वो लगाने से क्या होता है कि आपका कलर जो डार्क फैब्रिक पर जो फेड नहीं होता है, और आज मैं बिना वाइट बेस लगाए पेंट कर रही हूँ और मैं दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से फेड नहीं होगा। लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है, थोड़ा फेड होगा ज़्यादा लेकिन फेड नहीं होगा। अब जो बेस लगाने के बाद कलर आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन उससे थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले हम लीव को पेंट करें, ऊपर हम रखेंगे लाइट शेड जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट, और नीचे की साइड पे हम रख रहे हैं डार्क शेड जो है ग्रीन, और फिर दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो ब्लेंडिंग अच्छे से होने के बाद वो अच्छा सा दिखता है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका कलर जगह जगह पे दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगता। स्मूथ दिखना चाहिए, लीव दिखनी चाहिए पूरी एक, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि उसमें बहुत सारे पार्टीशन दिखें कलर के, ठीक है? ये बातें ध्यान में रखिएगा पेंट करते वक्त। अगर आप डिज़ाइन नहीं बना पाते हैं और आपको डिज़ाइन की वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन करें, मैं वहाँ पे डिज़ाइन की वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, और जैसे ही वो सारे सेटअप्स हो जाएंगे मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूँगी कि कैसे ज्वाइन करना है, और वहाँ पे मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँगी ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ राउंड ब्रश, और आप यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक पेंट या एक्रेलिक पेंट, लेकिन अगर आप फैब्रिक पेंट यूज़ करेंगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो फैब्रिक के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए उसका नाम फैब्रिक पेंट है। और अगर आप एक्रेलिक यूज़ करें, आपकी तरफ नहीं मिल रहा है फैब्रिक, तो उसमें आप मीडियम मिक्स करेंगे, और कैसे मिक्स करेंगे वो मैंने सिल्क वाली वीडियो में आपको बताया है, तो आप वो वीडियो देखें आपको समझ आ जाएगा कैसे मिक्स करना है, क्योंकि उसमें मैंने आपको शो किया है मिलाते हुए दिखाया है, तो देख के आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कलर में मीडियम कैसे मिक्स करें अगर आपका एक्रेलिक कलर है, तो आप वो वीडियो देखें आपको समझ आ जाएगा। आई होप कि कलर के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर फैब्रिक पेंट है तो आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड है, बेस्ट है फैब्रिक के लिए, और फैब्रिक कलर नहीं है एक्रेलिक है तो उसमें मीडियम मिक्स करेंगे। ये कपड़ा जो है, ये क्लॉथ हमारा है, वो कॉटन का फैब्रिक है।
फ्लावर को मैं पेंट कर रही हूँ वाइट और पिंक कलर से। अब आपको एक बात ध्यान में रखना है, देखिए हमारी लीव जो है वो पार्शियली ड्राई हो गई है, इसीलिए मैं उसके ऊपर से कर रही हूँ। तो उसमें क्या है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि कलर लगाते वक्त अगर आपने बेस नहीं लगाया है, तो आप देख रहे हैं मैं कलर थोड़ा थिक लगा रही हूँ, ज़्यादा अमाउंट में कलर लगा रही हूँ। अब आप देखिए बीच में अभी जहाँ मैंने ब्लेंड नहीं किया वहाँ आपको थोड़ा लाइट लाइट सा दिख रहा होगा, लेकिन मैं अभी उस पर और लगा के उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो इस बात का ध्यान रखना, इससे क्या होता है कि आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। अगर आप दुपट्टे पे पेंट कर रहे हैं डार्क कलर के दुपट्टे पे, उस पर आप बेस नहीं लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फिर स्टिफ हार्ड होने लगता है, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका शेड बिल्कुल ही ब्राइट और अच्छा सा आए, तो फिर आपको बेस लगाना पड़ेगा। डार्क कलर का फैब्रिक में ये प्रॉब्लम होती है कि ये कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कलर को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि अभी जब आपने किया है पेंट फ़ौरन, अभी वो ड्राई नहीं हुआ है, तो फिर वो उस वक्त तो आपको बहुत ही अच्छा प्यारा सा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे ये ड्राई हो जाता है वैसे वैसे इसका जो कलर है वो एब्जॉर्ब होने के बाद थोड़ा सा लाइट जैसे फेड होने लगता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे 2 या 3 शेड्स, जैसे मैंने आपको रोज़ में भी बताया था और इसमें भी बता रही हूँ, तो आपका कलर जो है वो थिक हो जाएगा एक के ऊपर एक। तो इससे क्या है कि ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको लास्ट में इसका बैक साइड भी दिखाऊंगी और उसके बाद एक दिन के बाद ये कंप्लीट ड्राई होने के बाद कैसा लग रहा था, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको थोड़ी पेंटिंग आती होगी तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपको जो कलर का अमाउंट लेना है, देखिए वो सफिशियंट लेना है, बहुत कम कम कलर आपको डार्क फैब्रिक पर बिल्कुल नहीं लगाना है अगर आप बेस नहीं लगा रहे हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि ये ड्राई होने के बाद भी कैसा प्यारा ही दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक सूट भी ब्लैक पे किया है, उसको मैंने पूरा वाइट बेस लगाया था, क्योंकि जब मैंने एक थोड़े से उस पर नहीं लगाया और मैं ऐसे चेक करना चाह रही थी तो एब्जॉर्ब होकर वो बहुत ही डल दिख रहा था। तो उसकी वीडियो अवेलेबल है, उसकी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, तो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इस फ्लावर में मुझे लेयरिंग की जैसे शेड्स चाहिए थे कि एक शेड ज़्यादा दिखे दूसरा थोड़ा कम, तो मैंने पहले उसको पेंट किया। अब मैं लास्ट में डार्क शेड डाल रही हूँ। ये हो गया सबके ऊपर से, जो पहले हमारा लाइट शेड से पेंट हो चुका है वो एक बेस का काम कर रहा है। और फिर जब मैं अभी शेड डाल रही हूँ, अब ये कम्प्लीट हो जाएगा जब इसकी फिनिशिंग, तो मैं आपको दिखाऊँगी ड्राई होने के बाद। तो ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाईलाइट होके दिख रहा है, तो ये पेंटिंग आपकी और भी अच्छी लग रही है। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जो कि सक्सेसफुल है। मैं हमेशा चाहती हूँ मैं आपको कुछ न्यू बताऊँ, तो इसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर ये आइडियाज़ अच्छी लग रही है, डिज़ाइन पेंटिंग अच्छी लग रही है, पेंटिंग पसंद है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपको कैसा लग रहा है ये कॉमेंट में बताएँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी फैब्रिक पेंटिंग बहुत ही आराम से सीख सकें। देखिए हमने अपना डार्क वाला शेड लगा दिया, अब हम क्या कर रहे हैं अपना लाइट वाला शेड, जहाँ जहाँ हमें लाइट भी तो चाहिए, तो अब हम वहाँ पे फिर से लाइट शेड भी लगा रहे हैं। समझ आ रहा है आपको, पहले हमने पेंट किया, उससे हमारा बेस भी बन गया और अच्छी सी शेडिंग भी दिख रही थी। अब जहाँ जहाँ हमें और ज़्यादा हाईलाइट करके शेड दिखाना है, वहाँ हम लास्ट में थोड़ा थोड़ा सा और लगा के शेड कर देंगे, फिनिश कर देंगे। सूखने के बाद देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छा दिखेगा।
फ्लावर हो गया है, पहले हम इसकी कली कर लेते हैं और फिर अभी फ्लावर में थोड़ा सा हमारा काम बचा हुआ है, लेकिन अभी ब्रश में हमारा रेड कलर पिंक कलर लगा हुआ है तो हम पहले इसको कर लेते हैं फिनिश। जितना भी हमारा कलरफुल काम है पिंक वाला लीव तो हमारी ग्रीन से हुई थी, तो हमने एक साथ सारा ग्रीन वाला काम किया था। अब हम फ्लावर पेंट कर रहे हैं तो पिंक कलर लगा है ब्रश में, तो हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हमें लगाना है वहाँ वहाँ हम पहले ही पेंट कर लें। इससे क्या होता है कि जब आप बेडशीट वगैरह या पेंटिंग करते हैं जिस तो अगर आप ये सब बात की ध्यान रखते हैं तो आपकी थोड़ा सा टाइम की सेविंग हो जाती है, क्योंकि अभी ब्रश में लगा है ये भी कर लेते हैं फिनिश कर लेते हैं, बाद में सारा एक साथ जो बचेगा उसमें फिनिशिंग देंगे और डन हो जाएगा। बार बार ब्रश चेंज भी कर सकते हैं लेकिन उसमें मुझे लगता है कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। फिर मैं अभी इस ब्रश को वॉश कर दूँ, फिर मैंने ग्रीन का जो भी है या मैं बीच में फ्लावर को फिनिशिंग देने के लिए या उसका पराग बना दूँ, फिर मैं रेड कलर या पिंक कलर जिससे भी हमें करना है वो ब्रश में लूँगी तो उतना कलर वेस्ट होगा, तो क्या फ़ायदा। आप कलर को हमेशा अपना ये ध्यान रखें कि आपको ब्रश को ज़्यादा वॉश ना करना पड़े। हाँ, जब शेड चेंज करना है वॉश कर लिए, एक कपड़ा आपके पास हमेशा होना चाहिए जिसमें आप ब्रश को साफ करेंगे ड्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हुआ और कलर लगाया आपने फैब्रिक पे वो बिल्कुल फैल जाएगा, वाटर के इफ़ेक्ट से पूरी बाउंड्री के बाहर चला जाएगा और सारी डिज़ाइन आपकी ख़राब लगने लगेगी। अपने मैंने सारा ग्रीन का पार्ट पहले कर लिया था लेकिन कली का नहीं किया था, क्यों? क्योंकि कली में रेड के या पिंक आप जिस भी कलर की कली बना रहे हैं उसमें क्या होता है कि अगर मैं ग्रीन पार्ट पहले बना लूँगी तो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाती। अब मैंने पहले उसको पेंट कर दिया और बाद में ग्रीन कलर से जब बना रही हूँ तो जो भी थोड़ा है वो फिनिश आएगा। ये देख रहे हैं आप इसका कंप्लीट लुक कितना ही प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। अभी मैं आपको इसका बैक साइड दिखाती हूँ और फिर मैं दिखाऊंगी कि एक दिन के बाद ये कैसा लग रहा है। अभी ये देखिए फ़ौरन अभी पेंट होके ऐसा लग रहा है, देखिए बैक साइड में कोई भी बेस नहीं लगा था तो कलरफुल दिख रहा है। ये आफ्टर वन डे है, देखिए ड्राई हो चुका है, अभी भी बहुत ही प्यारा लेकिन कहीं कहीं से उसने कर लिया है कलर को एब्जॉर्ब। ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लग रही है।